मैं सचिन कहता हूँ और आज आपके लिए फिर से एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। और आज की वीडियो है बजाज क्वाट। लेकिन इससे पहले कहना चाहूँगा, अगर आप अपने भाई के चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलते हैं वीडियो की ओर। कहीं जैसे कि आपको पता है, आज का वीडियो बजाज क्वाट RE60 के ऊपर है। लेकिन मैं पहले ही बता दूँ, ना तो ये रिक्शा है ना ही कार है, क्योंकि ये रिक्शे से एक स्टेप अप है और कार से एक स्टेप डाउन है, है ना। तो आप इसको कार से और रिक्शे से बिल्कुल कंपैरिजन मत करना। और आपको भाई हर बार कितना सबसे पहले प्राइस के बारे में बात करता है। प्राइस के बारे में इसलिए बात करता हूँ कि जैसे कि जो चीज़ हमारे बजट में होती है हम सबसे पहले वही परचेज करते हैं। तो आइए सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। क्वाट अगर पेट्रोल में लोगे आप तो ये एक्चुअल में आपको प्राइस पड़ेगा 2,48,061 रुपये का। RTO अमाउंट होगा 11,922 रुपये का, जिसमें से इंश्योरेंस अमाउंट होगा 16,230 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको टोटल पड़ेगा ये 2,76,213 रुपये का। अगर आप EMI पे लेना चाहते हैं तो EMI पे 4,799 पर मंथ का पड़ेगा। अगर आप इसको मतलब CNG में लोगे क्वाट को तो एक्चुअल प्राइस होगा इसका 2,78,492 रुपये का। RTO अमाउंट होगा 13,140 रुपये का। इंश्योरेंस अमाउंट होगा 17,279 रुपये का। ऑन रोड प्राइस आपको 3,08,929 रुपये का पड़ेगा। अगर आप EMI पे लेना चाहते हो तो 5,387 पर मंथ का पड़ेगा। अब बात करते हैं इंजन और ट्रांसमिशन की। तो इंजन टाइप DTSI इंजन है इसके अंदर। इंजन डिस्प्लेसमेंट 216 cc का है। फ्यूल टाइप पेट्रोल एंड CNG दोनों से ही है। और पावर इसकी 10.8 HP BHP की है और 5,500 RPM है। टॉर्क की बात करते हैं तो 16.1 Nm का है, 4,000 RPM की है। नंबर ऑफ सिलेंडर एक देखने को मिलेगा, ट्रांसमिशन मैनुअल देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ गियर 5 है और एक रिजर्व में दिया गया है। ड्राइव टाइम इसमें RWD है। कर्व वेट 151 kg का है। और अब बात करते हैं फ्यूल एंड फ्यूल इकोनॉमी एंड परफॉर्मेंस की। तो माइलेज देती है ये 43 किलोमीटर, टॉप स्पीड 70 तक ही जाती है इसकी। बात करते हैं ब्रेक्स स्टीयरिंग सस्पेंशन एंड टायर्स की। तो सबसे पहले हम सस्पेंशन की बात करेंगे। फ्रंट सस्पेंशन ट्विन लीडिंग ARM है और रियर सस्पेंशन सेमी ट्रेलिंग ARM है। फ्रंट ब्रेक ड्रम है, रियर ब्रेक ड्रम है। स्टीयरिंग टाइप मैनुअल है। मिनिमम टर्निंग रेडियस दिया गया है इसके अंदर, जो कि 3.5 mm का है। व्हील टाइप है, व्हील साइज है R12 का। अलॉय व्हील साइज है 12 इंची का। टायर टाइप इसमें रेडियल टायर दिया गया है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इंटीरियर डायमेंशन सिटिंग कैपेसिटी इसमें 4 है। डोर्स भी इसमें 4 दिए गए हैं। बोट स्पेस 20 है इसके अंदर। फ्यूल कैपेसिटी 35 लीटर की, जो कि काफ़ी अच्छी है। काफ़ी बड़ा टैंक दिया गया है इसके अंदर। एक्सटीरियर डायमेंशन व्हील बेस 1925 mm की है। और इंटीरियर फैब्रिक अप होल स्ट्री में दिया गया है। और एक्सटीरियर अपीयरेंस अलॉय व्हील इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर लेते हैं तो USB चार्जर इसमें फ्रंट में देखने के लिए मिलेगा। लेन चेंज इंडिकेटर भी देखने के लिए मिलेगा। नंबर ऑफ स्पीकर्स 1 देखने के लिए मिलेंगे। एडजस्टेबल ड्राइवर सीट इसके अंदर है। टेक्नोमीटर भी देखने के लिए मिलेगा। लो फ्यूल वार्निंग लैंप इसके अंदर दिया गया है। और AM and FM रेडियो की फैसिलिटीज भी दी गई है। USB एक्सिलरी इनपुट इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा।
अब बात करते हैं फ्रंट स्पीकर भी इसके अंदर लगा हुआ होगा, रेयर ब्रेक रेयर स्पीकर्स भी इसके अंदर देख मिलेगा, एडजस्टेबल हेडलाइट इसके अंदर देखेंगे 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स इसके अंदर देखने को मिलेंगे। बात करते हैं सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की, तो एंटी पिंच पावर विंडोज इसके अंदर एक है, इनपुट सिंक ऑटो डोर अनलॉक इसके अंदर देखने के लिए मिलेगा, सीट बेल्ट इसके अंदर है ऑलरेडी, चाइल्ड सेफ्टी लॉक भी है इसके अंदर। वीडियो देख चुके हो, वीडियो काफ़ी अच्छा था, अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दिए, जैसे कि आपको पता है आपके एक लाइक से आपके भाई को काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, और कमेंट में बताइए वीडियो कैसे लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक चाहिए। जैसे कि आपको पता है जो टॉपिक आप मुझे बताते हैं मैं उसी टॉपिक पर वीडियो बनाता हूँ। और चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे कि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।